नमस्कार, मैं आपके सामने डॉक्टर अतुल कुमार शर्मा, पुणे। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो इंडिस्पोजिशन है। इसका मतलब है कि शरीर के अंदर एक या एक से अधिक तुच्छ लक्षण, यानी थोड़े बहुत लक्षण मात्र हमारे शरीर में एक मामूली सा परिवर्तन करता है और जो एक बीमारी प्रकट करता है या बीमारी की नकल उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हम जो बताने जा रहे हैं, इंडिस्पोजिशन यानी शरीर में थोड़ा सा परिवर्तन का होना या मामूली सा चेंज होना, जिसमें कुछ लक्षण होते हैं और कुछ उसके उदाहरण हैं। जैसे हम कल रात किसी पार्टी में गए, हमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा खाना खाया और उसका क्या हुआ कि हमें इंडाइजेशन हो गया या हमको फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जनरली क्या होता है कि सब लोग उसकी दवाई ले लेते हैं। गैस्ट्राइटिस हो गई, उसकी दवाई ले ली, इंडाइजेशन हो गया, उसकी दवाई ले ली। तो अगर हम रात में खाना खाए, हमने भर पेट खाना खाया है और अगले दिन अगर हम उसका उपवास करते हैं, तो हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली जो हमारी वाइटल फोर्स है वो हमारी हेल्थ को रिस्टोर करती है, यानी बिना दवा के भी हम ठीक हो सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिस्पोजिशन का कहने का मतलब यही है कि मात्र छोटे से जो लक्षण होते हैं, जो एक बीमारी प्रकट करते हैं, उनको हम मात्र एक उपवास रखकर भी ठीक कर सकते हैं यदि हमने ज़्यादा खाना खा लिया है। इसलिए यहाँ पर हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि कल रात मैं किसी जगह पार्टी में गया और वहाँ मेरे को काफ़ी लेट हो गया और मेरी नींद वहाँ पर पूरी नहीं हो पाई और नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मुझे एक थकान और कमज़ोरी महसूस हुई। तो मुझे अजीब सा फीलिंग हुआ, मेरे को थोड़ी एंजाइटी फील हुई, थोड़ा हेडेक हुआ। तो ये एक इंडिस्पोजिशन के लक्षण होते हैं। यहाँ पर जो होम्योपैथी में डॉक्टर हैनीमैन ने अपने एक एपोरिज्म 150 में समझाया है। तो इसमें क्या करना है कि अगर जैसे हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है और हम नेक्स्ट नाइट प्रॉपरली सोते हैं और सेकंड डे ऊपर उठते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमें प्रकट हुए थे लक्षण वो सब समाप्त हो गए हैं, यानी हमारी जो इम्यूनिटी पावर थी वो उस सिम्टम को रिकवर कर रही है और उनने वो सारे सिम्टम थे वो ख़त्म कर दिए। इसी को हम इंडिस्पोजिशन कहते हैं। धन्यवाद।